देश में लोकसभा चुनाव के बाद फिर मोदी सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तमाम देशवासी उनके इस शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार भी कर रहे हैं। तो वहीं चर्चा है कि सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, जिसमें कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन नेताओं के नाम फाइनल करने से पहले देर रात अमित शाह के आवास पर मीटिंग चली। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को मंत्री बनाने के लिए फोन आने की खबरें जोरों पर है। इसमें टीडीपी है, एलजेपीआर है और जेडीयू जैसे दलों को सांसदों को फोन आए। तो वहीं इससे पहले एक जरूरी बैठक हुई जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही बीएल संतोष भी शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर विचार किया गया और इससे पहले भी शनिवार शाम को नरेंद्र मोदी से अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने मुलाकात की थी और कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि अमित शाह के घर मीटिंग से पहले 7 जून को जेपी नड्डा के घर करीब 4 घंटे तक एनडीए के तमाम नेताओं की एक के बाद एक मीटिंग चली और उसके बाद इनामों पर चर्चा की। फिर नेताओं को फोन लगाकर उनसे पूछा गया कि आपको कितने मंत्री पद चाहिए और कौन से विभाग चाहिए और फिर कहा गया कि आपको इस बारे में इन्फॉर्म करके बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में किन किन नेताओं को फोन गए हैं, किन किन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नड्डा के घर हुई मीटिंग में जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि उन्हें कृषि मंत्रालय चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय दिए जाए। बता दें कि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है, केवल सूत्रों के हवाले से ये सब कहा जा रहा है। तो वहीं बात करें नीतीश कुमार की, जिन्होंने एनडीए की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें कैबिनेट में 3 बर्थ चाहिए। हालांकि कौन से मंत्रालय होंगे इस पर अभी बातचीत होनी बाकी है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो वहीं जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया और उनकी मर्जी भी पूछी गई। लेकिन ऐसे में बीजेपी के सामने एक ऐसी परेशानी यह है कि इतनी कैबिनेट बर्थ अपने सहयोगियों को देंगे तो बीजेपी के जो सांसद हैं, जो चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, उन्हें कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे। बता दें कि हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नेता पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, एसडी कुमार स्वामी, आरएलडी नेता जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान, अपना दल के अनुप्रिया पटेल और रामनाथ ठाकुर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।